7:30 बजे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, केम चो मज्जा मान, कैसे हो आप सब लोग? तो आज है मेरे बोर्ड्स का थर्ड पेपर और मेरी है ना तबीयत भी थोड़ी सी डाउन लग रही है। मुझे भी है ना जुकाम होने वाला है और है ना थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है मेरा। मैं रात भर नहीं सोई हूँ आपको पता है, क्योंकि मेरे को है ना बहुत ज्यादा टेंशन आ रहा था। बाकी दो पेपर तो चलो ठीक ठाक अच्छे गए मेरे, लेकिन ये थर्ड वाला जो पेपर है वो कैसा जाएगा यही सोच सोच के मेरे को रात भर नींद ही नहीं आई। मेरे को पता है जैसे जैसे नींद लग रही थी ना ऐसे लग रहा था यार कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ, कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ पेपर के लिए, या फिर मेरा पेपर मिस ना हो जाए। इस चक्कर में मैं रात भर नहीं सो पाई हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ। तो घर में ना सब लोग उठ गए और मम्मी उनके जिम गई है। मम्मी मेरे को बोल रही थी कि मैं आज के दिन जिम नहीं जाती हूँ, तो मैंने उनको बोला कि आप अपने वर्कआउट पे ध्यान दो, हेल्थ पे ध्यान दो। जैसे ही मम्मी का जिम हो जाएगा ना वैसे हम लोग मम्मी को पिक करेंगे और फिर जाएंगे पेपर देने के लिए। मम्मी मेरे को छोड़ने आने वाली है। जो 10th या फिर 12th के बोर्ड्स के स्टूडेंट होंगे ना आप लोग समझ सकते हो मेरे फीलिंग्स को कि मेरे को अभी कैसे फील हो रहा होगा। तो गाइस मैं रेडी हो गई हूं और मैंने ना पापा को भी उठा दिया है। अभी पापा है ना रेडी हो रहे हैं, फिर उसके बाद ना हम लोग जाएंगे। सबसे पहले मम्मी को पिक करेंगे और फिर जाएंगे पेपर देने के लिए, है ना मियां? सुबह सुबह मैं ना मोबाइल और शॉर्ट्स देखूंगा मैं अभी। कुछ काम नहीं रहता उसका वहाँ पे, चुकी जाएंगे एग्जाम सेंटर जाना है, वहाँ पे गेट के अंदर तक ही छोड़ने जाना है। वहाँ पे वो सिक्योरिटी बोलते थे अंदर नहीं आ सकते, अंदर नहीं आ सकते, पेरेंट्स प्लीज कोऑपरेट कीजिए, ये कीजिए, लेकिन नहीं अंदर ही जाना है पूरा। जब तक क्लास में ना चली जाए तब तक देखते रहना कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है। कृष्णा को और मामा को बोलता कि भाई तुम है ना फोर व्हीलर में जाते जाओ, टू व्हीलर चलने के लिए जगह ही नहीं है।
अभी दिखना नहीं तो मेरे को घर पे कल सैंडविच का ये क्या है ये क्या है ये तेरे को मालूम क्या है डोज देने वाले डोज चला बाहर जा रहे घूमने के लिए चल 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 पापा के साथ चल 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 वो छोड़ दो हाँ निकल ले ऐसा गेट खोल के बाहर नहीं जाना चाहिए ना इसलिए हमने ये ऐसे लगा रखा हाँ खोल हाँ सब ये ऐसे निकल जाता है बाहर गेट खोल के ये सीधे बाहर निकल जाता है अगर तू होशियार है तो मैं भी तेरा बाप है समझा क्या तेरे को पता है कि अभी हम किधर जा रहे हैं नहीं दीदी को लेने नहीं जा रहे तेरे को अभी है ना पोलियो का डोज देने जा रहे समझा क्या तू पता नहीं डिब्बू का कैसा पेपर गया होगा आज पहले कल ही बोल रही थी वो कि उसका पेपर बहुत थोड़ा सा उसको हार्ड लग रहा था वहाँ पे पीछे काव्य का पेपर अभी छूट गया हमने तो पहले जाके अपन है ना काव्य को रिसीव करेंगे उसके बाद में तेरे को डोज पिलाएंगे समझा पोलियो का डोज पिलाएंगे तेरे को छूटा नहीं अभी तक उसका पेपर
अच्छा अपन जल्दी आ गए, है ना बच्चे? अब इंस्पिरेशन हो सबके लिए, आप बहुत सपोर्ट करते हो और बहुत मोटिवेशन करते हो सबको, और आंटी भी बहुत अच्छे सपोर्ट करते हैं। थैंक यू बेटा, आंटी तो बहुत ही अच्छे सपोर्ट करते हैं। ये देखो ठीक है, खुशी में मैं तेरे को गन्ने का जूस पिलाऊंगा। चलेगा, चलो पापा गन्ने का जूस पीने। और ची तू कैसे आया? और तेरा पेपर अच्छा जाने की खुशी में ची बेबी को पोलियो का डोज पिलाएंगे। ओह माय गॉड ची, तो ये राज है, इसीलिए तो सैड बैठा है। ये सब लोग मिलके, पापी लोग मिलके मेरे को पोलियो का डोज पिलाने वाले जबरदस्ती एकदम। ये देखो ये आ गया हमारे गन्ने का जूस, ये लो चल। कबाड़ी पीता नहीं? देखो पापा ने ग्लास पूरा खत्म कर दिया, अभी पापा दूसरा ग्लास पीने वाले हैं। दे अच्छी चीजें नहीं होना देगा, अभी पोलियो का डोज पी, अभी तू वो तेले टेस्टी चीज है समझा? हाँ, वो पी ये पी नहीं ना। हाँ ठीक है। चल देखो कैसे लग रहा है, तू डोज लेने वाले है, मजा आएगा मस्त, है ना? डोज अभी तेरी मजा आने वाली है, अभी तेरी मजा आने वाली है। आओ चलो चलते आगे चलो। Yeah.
चलो अभी अपन घर जा रहे हैं। कैसे मजा आई? बहुत ज्यादा मजा आई। अब चलो घर। अरे पापा मम्मी को तो बिठाओगे, इधर ही छोड़ के जा रहे। मम्मी को छोड़ देते, अभी जाने मम्मी आ जाएंगी।